हेलो दोस्तों, आज ये है लोगन मूवी का स्पॉइलर रिव्यू। तो अगर आपने मूवी अब तक नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को बाद में देखना, पर मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों ने अब तक ये मूवी देख ली होगी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मूवी के अंदर की कुछ डिटेल्स के बारे में और मैं आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा जो शायद आपने मूवी में मिस कर दी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये इस साल की पहली बड़ी सुपर हीरो मूवी थी, 10वीं मूवी थी एक्समैन फ्रेंचाइज की और 9th मूवी थी जिसमें हमें ह्यूज जैकमैन वुल्वरीन के रोल में देखने को मिले। हमेशा की तरह उनकी एक्टिंग तो बढ़िया ही होती है। कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी खास तरह के रोल के लिए ही बने होते हैं। उन्होंने 17 साल इस रोल को किया है और उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये उनकी लास्ट मूवी होगी। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या वजह थी कि उन्होंने ये रोल छोड़ दिया, तो इसके पीछे बहुत सारी बातें होती है कि जब कोई आप सुपर हीरो का रोल करते हैं तो आपको हमेशा फिट रहना पड़ता है। ये मूवीज लगातार आती रहती है तो आपको लगातार शूटिंग करनी पड़ती है, इन्हें प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में घूमना पड़ता है, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें इन रोल्स के लिए और उनके पास बहुत कम टाइम बच पाता है अपने लिए और उन्हें बाकी अलग तरह की मूवीज करने का ज्यादा मौका भी नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से अच्छा ही था कि उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया कि ये उनकी लास्ट मूवी होगी। वो अपने फैंस से बहुत प्यार करते हैं और इस चीज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस मूवी के लिए उन्होंने पैसे भी कम लिए ताकि इसको आर रेटिंग मिल सके और हमें उस तरह का एक्शन देखने को मिले जो हमेशा हम वुल्वरीन से एक्सपेक्ट करते हैं। भले ही डेडपूल के सक्सेस ने प्रूव किया हो कि आर रेटेड मूवीज भी पैसे कमा सकती है, लेकिन स्टूडियोज अभी भी इस बात से डरते हैं क्योंकि इससे मूवी की ऑडियंस कम हो जाती है क्योंकि बच्चे इस तरह की मूवीज नहीं देख सकते। तो इस तरह उन्होंने स्टूडियो के थोड़े बहुत पैसे बचाए ताकि वो हमें उस तरह का एक्शन दे सके जैसा हम वुल्वरीन को करते हुए देखना चाहते थे। मेरा फेवरेट जो एक्शन सीन था वो था होटल वाला, जब चार्ल्स को दौरा पड़ता है और लोगन एक एक करके सबको मारता है। मेरे हिसाब से वो सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया था। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि उसकी पावर्स को क्या हुआ, तो उसकी वजह है एडमेंटियम, वही मेटल जो उसकी बॉडी के अंदर डाला गया है जिससे उसके क्लॉज बने हैं और उसी की वजह से उसकी पावर्स कम हो रही है और इसीलिए ही वो एंड में इतना कमजोर पड़ जाता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम जो मुझे मूवी में लगी कि उन्होंने वुल्वरीन को उसकी येलो कॉस्ट्यूम में नहीं दिखाया। हालांकि हमें वुल्वरीन का लुक देखने को मिला जब बच्चे उसके चेहरे के बाल काटते हैं और जो वो मोटा सा बच्चा था उसके पास वुल्वरीन का एक खिलौना भी था जो उसकी कॉस्ट्यूम का एक रेफरेंस था। मैं समझता हूँ कि मूवी में ऐसा कोई सीन नहीं था जहाँ उसे वो कॉस्ट्यूम पहनने की जरूरत पड़े, लेकिन अगर वो ऐसा कर देते तो हम फैंस काफी खुश हो जाते। मूवी के दूसरे बड़े एक्टर थे पैट्रिक स्टूअर्ट जो चार्ल्स जेवियर का रोल करते हैं और उन्होंने भी हमेशा की तरह बड़ी एक्टिंग की। उन्हें मूवी में दौरे पड़ना शुरू हो जाता है जो शायद उनकी उम्र का नतीजा है या इसके पीछे जेंडर राइस हो सकता है, क्योंकि एंड में डोनाल्ड पियर्स ये कहता है कि जेंडर राइस ही वो इंसान है जिसने सारे म्यूटेंट्स को खत्म कर दिया है, तो शायद उसने कुछ ऐसा किया होगा जिससे उनकी पावर्स बेकाबू हो रही है। मूवी में लोगन उनका ख्याल रखता है और प्रोफेसर एक्स उसके साथ बिल्कुल एक बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। तो अब बात करते हैं एक्समैन की टाइमलाइन की। तो लगता है कि फॉक्स ने भी ये सोचना छोड़ दिया है कि किस मूवी को किस टाइमलाइन में रखना है, क्योंकि जैसा हमने डेज ऑफ फ्यूचर पास में देखा कि 2023 में तो सब कुछ ठीक था, तो 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि सारे म्यूटेंट्स मर गए हैं। हम मूवी में एक इंसिडेंट सुनते हैं कि जैसे चार्ल्स को होटल में दौरा पड़ा था वैसी ही चीज 1 साल पहले वेस्टचेस्टर में हुई थी। वेस्टचेस्टर वही जगह है जहाँ पे प्रोफेसर एक्स का स्कूल है और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग मारे गए थे जो म्यूटेंट्स ही होंगे। प्रोफेसर एक्स भी एक बार इस बात का मेंशन करते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ था और डायरेक्टर ने भी कहा था कि ऐसा एक सीन मूवी में होने वाला था, लेकिन फिर वो बाद में हटा दिया गया। वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की भी बात करते हैं जो एक्समैन 1 का क्लाइमेक्स सीन है, और लोगन ये भी कहता है कि 25 साल से कोई म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ। तो अगर 25 साल से कोई म्यूटेंट पैदा नहीं हुआ तो 2023 में वो स्कूल कैसे चल रहा है और वहाँ पे बच्चे कहाँ से आ रहे हैं। एक जो बढ़िया सीन था मूवी में जहाँ वो सब उस फैमिली के साथ खाना खा रहे थे और लोगन कहता है कि चार्ल्स पहले एक स्कूल के प्रिंसिपल रह चुका है और चार्ल्स कहता है कि लोगन उनके स्कूल में एक बुरा स्टूडेंट था, जहाँ पे वो पुरानी टाइमलाइन की बात कर रहे थे। चार्ल्स ये भी कहते हैं कि लोगन पहले लड़ाई करके पैसे कमाता था, जो भी एक्समैन 1 की बात है। इसके अलावा लोगन के घर में एक समुराई तलवार भी थी जो पिछली वुल्वरीन मूवी का एक रेफरेंस था। लेकिन जो मूवी का बेस्ट पार्ट था वो थी डैफनी कीन। उन्होंने X-23 का रोल किया है और चाहे एक्टिंग हो चाहे एक्शन हो दोनों में ही वो परफेक्ट है। मतलब वुल्वरीन तो सिर्फ खड़े खड़े लोगों को मारता है, लेकिन ये लड़की तो उछलती भी है और लोगों के सर भी काट सकती है। और वो फ्यूचर में उसे वुल्वरीन की तरह दिखाए, मतलब वो उसे वुल्वरीन का नाम नहीं देंगे लेकिन जहां उन्हें उस तरह के कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी वो वहां पे उसे यूज करे, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता चलता है कि वो वुल्वरीन की बेटी है क्योंकि वो उसके डीएनए से बनाई गई है, और जो बाकी बच्चे भी थे वो भी किसी ना किसी म्यूटेंट के डीएनए से बनाए गए हैं। जैसा हम उस वीडियो में देखते हैं कि एक लड़का फायर का यूज कर रहा था तो वो पायरो के डीएनए से बनाया हो सकता है, एक लड़की अपने मुंह से ठंडी हवा निकालती थी तो वो आइसमैन के डीएनए से बनाई हो सकती है, और इन सबको बनाती थी ट्रांसिजन नाम की कंपनी जो इन बच्चों को फ्यूचर में हथियार के तौर पर यूज करना चाहते थे। पहले वुल्वरीन ये मानने से इनकार कर देता कि वो उसकी बेटी है, लेकिन धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होने लगते हैं। वुल्वरीन उसको अपनी बेटी समझने लगता है और उसे उसके फ्यूचर के लिए बहुत सारी एडवाइस भी देता है क्योंकि वो बिल्कुल उसके जैसे ही तो है।
ये मूवी साफ बताती है कि म्यूटेंट्स कभी भी सेफ नहीं रह पाए हैं और जो लोग उनके साथ भी थे उनका अंत भी बुरा ही हुआ है, चाहे वो जो फैमिली हो या उस फैमिली को परेशान करने वाले वो गुंडे, सभी एंड में मारे जाते हैं। तभी तो लोगन उस डॉक्टर को कहता है कि आप मेरी चिंता मत कीजिए वरना आप सेफ नहीं रह पाएंगे। अब बात करते हैं मूवी के विलन्स की, तो मुझे डोनाल्ड पियर्स का कैरेक्टर काफी बढ़िया लगा। ज़ैंडर राइस का रोल काफी छोटा था और जैसे मैंने पहले बताया कि म्यूटेंट्स के खत्म होने के पीछे वही जिम्मेदार है, क्योंकि वो कहता है कि उसने इंसानों के खाने में ऐसी चीजें मिला दी थी जिससे म्यूटेंट का जीन ही खत्म हो गया और इसी वजह से शायद 25 साल से कोई म्यूटेंट पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन जो मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट था वो था X-24। अगर आपने ध्यान से वो स्टार्टिंग वाली वीडियो में देखा हो तो उसमें X-24 का नाम दिखाया जाता है, तो मुझे पहले लगा था कि वो डाकेन होगा क्योंकि कॉमिक्स में तो कोई X-24 नाम का कैरेक्टर था ही नहीं। लेकिन वो ज्यादा मैच करता है एल्बर्ट नाम के कैरेक्टर से जो एक तरह से कॉमिक्स में वुल्वरीन का रोबोट वर्जन था। और जब वो पहली बार आता है और चार्ल्स को मारता है, उस दिन चार्ल्स काफी खुश थे और उन्हें तो यही लगा होगा कि लोगन ने उन्हें मार दिया। तभी तो लोगन उससे कहता है कि वो मैं नहीं था, लेकिन शायद उन्होंने ये सुना ना हो और वो यही सोच के मर गए हो कि लोगन ने उन्हें मारा है। X-24 और वुल्वरीन की जो फाइट थी वो भी काफी बढ़िया थी। एक जो कंफ्यूजन वहां पे था कि एडमेंटियम की बुलेट से X-24 मर जाता है, मतलब उसका सर फट जाता है, लेकिन जैसा हमने एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में देखा कि उस बुलेट से उसकी सिर्फ याददाश्त ले जाती है, उसको और कोई नुकसान नहीं होता। तो मेरे हिसाब से वो चाहते ही नहीं थे कि इस मूवी का कोई विलन आगे बचे, वो यही चाहते थे कि ये मूवी बाकी एक्समैन मूवीज से अलग ही रहे। एक और कैरेक्टर था मूवी में कैलिबैन, लेकिन वो भी एंड में मारा जाता है। प्रोफेसर एक्स की भी मौत हो जाती है, लेकिन जिस कैरेक्टर की मौत ने सारे एक्समैन फैंस को रुला दिया होगा वो तो लोगन की ही डेथ थी। X-23 उसे एंड में डैडी बुलाती है और लोगन ये कहता है कि अब उसे पता चल गया कि कैसा लगता है, मतलब मौत ही एक ऐसी चीज थी जो उसने अब तक महसूस नहीं की थी। वो इतने साल जिया था, उसने इतनी सारी चीजें देखी और उसके लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, उसके लिए तो इतना साल जीना एक श्राप के बराबर था। X-23 उसके मरने पे जो डायलॉग बोलती है वो उसी मूवी का डायलॉग था जो वो और चार्ल्स उस होटल में देख रहे होते हैं, और वो एक तरह से वही मैसेज था जो लोगन उसे देना चाहता था। मैं तो तभी समझ गया था जब X-24 वापस आता है और लोगन को पीछे से मारता है और लोगन उन बच्चों को कहता है कि तुम सब चले जाओ, तभी मुझे लगा था कि कुछ बुरा होने वाला है। मेरे लिए जो मूवी का बेस्ट सीन था वो था जब X-23 उस क्रॉस को टेढ़ा करके उसे एक्स में बदल देती है, जो ये बताता कि वो कोई मैन नहीं, वो एक एक्समैन है, वो बाकी इंसानों से अलग है, तो वो इंसानों की मौत क्यों मरे, उसे भगवान ने ही अलग बनाया है और वो कभी किसी इंसान को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन इंसानों ने हमेशा उसे अपना दुश्मन माना है। मूवी के एंड में आपका जो हाल था वही मेरा था, लेकिन ये अच्छा भी फील हुआ कि हमें 17 साल इतना बढ़िया कैरेक्टर देखने को मिला है। और अगर आप मूवी के खत्म होने के बाद भी थिएटर में बैठे रहे ये सोच के कि मूवी में कोई पोस्ट क्रेडिट सीन होगा तो आपने अपना टाइम ही वेस्ट किया, और इसमें कोई स्टैनली का कैमियो भी नहीं था। लेकिन इन दोनों चीजों की भरपाई डेडपूल की एक वीडियो ने कर दी, मैंने उस वीडियो का भी रिव्यू किया है तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं। और मैंने इस मूवी के साथ एक चीज नोटिस की कि ये मूवी हम फैंस के लिए बनाई गई थी, ना कि नॉर्मल ऑडियंस के लिए, क्योंकि जो आम इंसान होते हैं वो सिर्फ एक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन जो हम जैसे फैंस होते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि स्टोरी कैसी है और इन कैरेक्टर्स के बीच जो आपस में बातें होती है हमें वो सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मुझे तो ये मूवी काफी पसंद आई, और अगर आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।